सेल्फ किलिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाय हाय ममता बनर्जी, हाय हाय टीएमसी पार्टी, हाय हाय टीएमसी पार्टी, हाय हाय टीएमसी किलिंग बंद करो, बंद करो। ममता बनर्जी, हाय हाय ममता बनर्जी, हाय हाय गुंडी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ममता बनर्जी, हाय हाय ममता बनर्जी, हाय हाय सरकारी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाय ममता बनर्जी, हाय 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 हाय सरकारी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्रोटेस्ट है जिस तरह से वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद जिस तरह से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म वहां पर हुआ है, वहां जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, हमारी माताओं बहनों को घर से घसीट कर बाहर निकाला गया, उनके साथ रेप किया गया, लोगों की प्रॉपर्टी जलाई गई, ऐसा कहीं नहीं होता है डेमोक्रेसी के अंदर। इलेक्शन के अंदर पार्टियाँ इलेक्शन लड़ती हैं, कोई जीतती है, कोई हारती है, लेकिन ये एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है। वो हम इसको प्रोटेस्ट करने के लिए आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारी ये डिमांड है फौरी तौर पर जो पोलिटिकल गिनिंग है वो बंद होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी गुंडागर्दी और तानाशाही तो मेरे ख्याल तालिबान के राज में भी नहीं है जो वहाँ वेस्ट बंगाल के अंदर है। जिस तरह से लोगों की प्रॉपर्टी जलाया जा रहा है उसकी हम भर्सना करते हैं और ये डिमांड करते हैं फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए, नहीं तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। हमारी तो ये सेंटर से ये अपील रहेगी कि जो वेस्ट बंगाल के अंदर गुंडागर्दी जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे हुई या बिल्डिंग्स पे हुई, जो जलाई गई, जो लेडीज़ के साथ रेप हुआ, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे हिंदुस्तान में ये मिसाल पैदा होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो पूरे मुल्कों में जाए कि हिंदुस्तान के अंदर गुंडागर्दी नहीं चलेगी।